लाई हली रंग लाई हली चल पिच कर गुना है बुला छोरी लागे चोरू चोरा लागे साला पतखट पे नाचे मुझे फाइनल कर लिया नहीं नहीं तेरे को तो मैं भी 4-5 बार और फाइनल करूंगा फिलहाल ये लोकेशन फाइनल तो ऐसा करते हैं ये माहौल मुझे यहाँ पे अच्छा लगा यहाँ पे एक कमरा किराए पे लेते हैं यार क्या है ज्यादा ज्यादा 4-5 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा दे देंगे क्योंकि हम तो मोटी असामी है तो ऐसा करते हैं इस फिल्म का पहला शॉट ही तुम्हारे फेस से लेते हैं ओके एक्शन ये तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी क्यों चुभ रही है यार सर दाढ़ी मैं तो लड़की हूँ रोज शेव करती हूँ ओहो तो तू कौन है यार उनका नाम है मेरा चांद चौक में सारे जानते हैं मेरे को तू कौन है व्हाट इज योर नेम मेरा नाम क्या है मेरा नाम आपने सुभाष घई के बारे में नहीं सुना सुना है सुभाष घई का नाम वो डायरेक्टर जो बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्में बनाते हैं ना घई साहब इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हो हमारा घर ले लो ना किराए पे हैं बहुत बड़ा बेडरूम है उसमें आपकी बड़ी सी हीरोइन के चेंज करने के लिए शट अप सर शक्ल देखो इसकी इसकी शक्ल से लगता है कि इसका घर बड़ा होगा कसम से बहन जी माता जी की कसम हमारा घर बहुत बड़ा है मैं भी रोज वही कपड़े बदलती हूँ अच्छा कितने बजे 8 बजे पर मैं तो 9 बजे उठता हूँ यार 9 बजे मैं बदलता हूँ 9 बजे आप बदलते हैं यार कितने टुच्चे लोग हैं यार सर सिमत बोलिए टुच्चे लोग नहीं है लुच्चे लोग है कब से बिजनेस की बात करी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के बारे में पूछा भी नहीं अरे पूछने की क्या जरूरत है आप तो खाओगे ही मिसेस डाल इनके मुंह में कुछ डाल ले क्या कुछ या? एक मिनट आपको लगता है वो मेरे लिए अकेले खाना ला पाएगी सवाल ही नहीं उठता आधा भी नहीं भरोगी मैं लेके आता हूँ पूरा भरेंगे आपको एक मिनट आज यहाँ होली मना रहे और तरह तरह का खाना बना होगा डॉक्टर साहब पिक्चर के बारे में बताओ कुछ हाँ ऐसा है कि हमारी फिल्म का नाम है 2 इडियट उसमें 2 लुटेरे उनको लूटने आते हैं ये 2 बेवकूफों की कहानी है यस क्या कहानी है सर पहली लाइन में आंसू निकाल दिया आपने सर जी आपके पिक्चर के हीरो हीरोइन कौन है हीरो हीरोइन मैं बताती हूँ एक मिनट हटिए सर देखिए हीरोइन तो मैं खुद हूँ और हीरो है सर मतलब वो दोनों बेवकूफ आप ही बन गए नहीं हम हीरो हीरोइन है बस वो 2 इडियट्स है ना उनकी कास्टिंग अभी बाकी है ना सर सही में एक तो ये री सर और दूसरा इनको ले लो सर बहुत अच्छे इडियट लगेंगे हीरोइन बन जाएंगे ओके ओके चांस दिया मुझे तरस बहुत जल्दी आ जाता है तो ऐसा है कि 2 बेवकूफ खड़े हैं और लुटेरे अंदर आते हैं यस सर और वो कहते हैं कि जाओ अंदर से अपने सारे गहने जेवर लेके आओ और हम उसको डबल कर देंगे हमारे पास तो गहने है ही नहीं बाल्टी मग बर्तन ले आए करके उसका डबल करके क्या करोगे हा? हमें आपका कमरा किराए पे नहीं चाहिए हमने नाश्ते में बुलाया तुमको ये इतना खाना पीना हमारा इसके पैसे दो हटिए सर मैं बात करती हूँ कैश हम लोग अपने पास नहीं रखते और रही बात तुम्हारे खाने की सुबह निकलेगा ले लेना अभी निकाल दो सर सर जी अभी तो मैं बड़े डायरेक्टर हूँ सुभाष जी आपके पास पैसे नहीं है सुभाष जी हमने यार बाकी तुम 2 इडियट हो हमने कब काम हमने पूछा था कि सुभाष जी को आप जानते हो हमें भी बताओ हमें पता नहीं मुझे बड़ा शौक है काम करने का यार तो सालो तुम हो कौन ये बंटी है और मैं बबली हूँ हम लोगों के आगे ऐसे ऐसे करके नाचते हैं और उनको ऐसे 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 करके लूट लेते हैं ये साले नाचने वाले निकले मिसेज पिटे हुए पत्ते हाथ में आए अपने मैं तो पहले ही समझ गया था ये बनाएगा पिक्चर पापड़ जैसी शक्ल का पत्ता मच्छी चटकले क्या ये
देखो गलतियां इंसान से होती, हमसे गलती हो गई, हमने आपको माफ भी कर दिया। लेकिन सर आप समझो, आपको मोटी पार्टी चाहिए ना? हाँ। मेरे को भी मोटी पार्टी चाहिए, आप मेरी मोटी पार्टी ले लो, मैं आपकी मोटी पार्टी ले लेता हूँ। जस्ट किडिंग, मजाक। मेरा मतलब है कि हम चारों मिलके लोगों को लूटेंगे 50-50। बता माँ कसम, आइडिया तो ठीक लग रहा है मेरे को। आइडिया पसंद आया ना, तो फिर चल फटाफट अंदर से खाना लेकर आओ। ले मुझे खाना यही बचा है। छी, मैं गंदा नॉन वेज नहीं खाती। खा जाएगी मिसेज, ऑफर मत करो उसको, जाके वो भांग ले आना, भांग। हाँ बढ़िया भाई, अपनी पार्टनरशिप सही चलेगी। ठीक है, तो मेरे जैसा ही है, तेरे को पता है। मिला पियो 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 पियो।